34 साल की अंजू फिलहाल पाकिस्तान में अपने 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ रह रही है। अंजू ने इस्लाम कबूल कर शादी कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह दावा किया है। दोनों ने पेशावर के लोकल कोर्ट में शादी की है। इस पर अंजू के बॉयफ्रेंड ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम नसरुल्लाह है और मैं अपर बी के पी से बिलोंग करता हूँ और मैं कंपनी में जॉब करता हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और सर, मैं अंजू से जो मेरी रिलेशनशिप शुरू हो गई थी फेसबुक के थ्रू, तो वो 2019 में स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम कोरोना का मसला चल रहा था, तो दोनों तरफ जो बॉर्डर थे और जो फ्लाइट्स थे वो सारी बंद थे। तो उस टाइम हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो उस टाइम अप्लाई नहीं हो रही थी और NOC वगैरह परमिशन नहीं दे रही थी। तो इसके बाद 2022 में मैंने इसके लिए वीज़े की प्रोसेस में स्टार्ट हो गया और NOC के लिए मैंने अप्लाई की। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल की है इसके लिए मैंने, और 2023 जनवरी में 6 मंथ में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसको इंटरव्यू ऑफिस ने NOC जारी की, वहाँ NOC फॉरवर्ड की। तो उसके थ्रू इसको एक स्पॉन्सर वीज़ा मिल गया और उसी के थ्रू ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये आई है। ये यहाँ सैद गंज में है, इसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, 24 आवर इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड है सर, और इसको कोई ऐसी इशू नहीं है और इसके ऊपर कोई ऐसी फोर्समेंट नहीं है कि या इसको कोई फोर्स कर रहा है या इसके ऊपर कोई और दबाव डाल रहा है, ऐसी कोई दबाव नहीं है। इसकी अपनी मर्जी है, जाए आए ना आए जो भी है, ये अपनी मर्जी से कुछ सब कुछ करना चाहती है, क्योंकि इसको हम फोर्स नहीं कर सकते और ना ही किसी पर फोर्स किया जाता है। अब हमने पहले मतलब वीडियो कॉल और चैट पे जब बात होती थी तो हमारा एक ड्रीम था कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब ये एक अनबिलीवेबल काम है और हमें यकीन भी नहीं था कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब ये हमारी सोच से बाहर है। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि हम एक दूसरे से मिल भी पाए, एक दूसरे को देख भी लिया अच्छे से, और मतलब ये एक बड़ी बात है, हमारी एक ड्रीम थी पूरी हो गई और इसे हमारे लिए बेस्ट कोई और चीज़ नहीं है। ये 30 डेज इसका वैलिड वीज़ा है, ग्रांटेड वीज़ा है। ये 10 दिन 30 दिन रुकना चाहती है, 10 दिन रुकना चाहती है, कितने दिन ये रुकना चाहती है ये इसकी मर्जी है, और ये जिस टाइम जाना चाहती है, मेहमान आ जाए और वो किसी भी टाइम चल सकती है वापस।